आज बना रहा हूँ मैं मटन पाया, एकदम सिंपल और आसान तरीके से परफेक्ट रेसिपी बनाऊंगा। जो है दोस्तों, आप भी इस सर्दियों में ज़रूर बना के ट्राई करें। तो मैंने चार पाये ले लिए, देखिए इस तरह से इन्हें धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। सारे पाये हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसके साथ में तीन प्याज डाल रहा हूँ, बड़े बड़े कटे हुए। फिर इसके अंदर डालूंगा लहसुन, एक कप लहसुन डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा कम कर सकते हो। और एक चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें कद्दूकस करा हुआ अदरक। उसके बाद एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। फिर हम डालेंगे एक चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर, क्वार्टर चम्मच हल्दी, और फिर खड़े मसाले डालेंगे। तो इसके लिए मैं डाल रहा हूँ 10 से 12 काली मिर्ची, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, 2 बादियान के पीस, 1 बड़ी इलायची और 3 पीस लौंग के डाल दूंगा। इन सभी चीज़ों को प्रेशर कुकर में ऐड करके इसके अंदर 1 कप हम तेल डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगा 3 गिलास पानी। पानी डाल लेने के बाद इसको अच्छे से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसकी देखिए पानी इस तरह से होना चाहिए, सभी चीज़ें अच्छे से डिप हो जाना चाहिए। फिर लीड लगाकर इसको हम गैस की फ्लेम पर रख देंगे और अच्छे से 3 से 4 प्रेशर आने तक गला लेंगे। फिर इसका प्रेशर रिलीज करके इसकी लीड खोल लेंगे और फिर अच्छे से अभी इसे भून लेंगे। देखिए इससे लहसुन और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम पायों को अच्छे से अच्छे से 20 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इस पॉइंट पर, इस तरह से हो गया हमारा मसाला। और भून लेंगे इसे 5-6 मिनट के लिए। टोटल देखिए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से तेल छूट गया मसाले का और मेरा मसाला इस तरह से हो गया है। बस इसी पॉइंट पर इसके अंदर हम गरम पानी ऐड करेंगे। मैं 3 गिलास पानी फिर से डाल देता हूँ अच्छा गरम करके। और पानी डाल लेने के बाद इसमें जब अच्छा सा बाइल आएगा तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे लीड लगाकर पायों को पूरी तरह से गलने तक हम इसे पका लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर हरा धनिया डाल के अच्छे से सर्व करेंगे। दोस्तों सिंपल और आसान तरीके से मेरे पाये की रेसिपी बनके तैयार है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।